Hi friends, I'm Punish Sisodia and you are watching Dr. Punish Sisodia YouTube channel. Friends, आज के इस वीडियो में हम जो कैबेज के लीडिंग हाइब्रिड हैं जो अलग अलग स्टेटों में चलते हैं अलग अलग कंपनीज के उनके बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे वो किस सेगमेंट में आता है और उसका जो हेड वेट कैसा है, हेड शेप क्या है, उसका लीफ कलर क्या है। तो जो मेरे किसान भाई उनको यदि कुछ आइडिया होता है वेराइटी सेलेक्शन में इसको देख के तो आइडिया ले सकते हैं। और वैसे ये वीडियो ओनली फॉर नॉलेज पर्पज के लिए है, नॉलेज के लिए बनाया है। तो आइए जानते हैं हम कुछ हाइब्रिड्स के बारे में, वेराइटीज़ के बारे में, अलग अलग कंपनियों के जो हाइब्रिड्स हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंदू से। इंदू ये सेमिनिस कंपनी का हाइब्रिड है इंदू, और ये सबसे ज़्यादा गुजरात में सबसे ज़्यादा चलता है। इसका रिकमेंडेड एरिया गुजरात है और ये महाराष्ट्र में भी चलता है, वहाँ पे थोड़ा कम। इसका जो लीफ का कलर है, लीफ कलर डार्क ग्रीन, और इसका जो हेड है वो लाइट ग्रीन होता है। हेड जो होता है राउंड होता है, शेप हेड शेप राउंड। गुजरात के लिए है फेमिनिन्स का इंदू हाइब्रिड। बात करें ये लेट सेगमेंट में आता है, लेट में, लेट मीन्स 65 to 75 डेज में मैच्योरिटी इंदू। यहाँ पे जो इसका मैच्योरिटी आया है वो 81 डेज में आया है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है इसलिए वो 81 डेज में आया है। एक्चुअल में 75 डेज में मैच्योर होता है, 75 7। और इसका जो कोर लेंथ की बात करें तो कोर लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। कम्पैक्टनेस उतना अच्छा नहीं है, आई थिंक ये अभी थोड़ा अनमेच्योर फ्रूट हमने कट कर लिया है तो इसलिए। और शेप राउंड, इसका वेट अराउंड 2 kg के आसपास होता है। तो इसके बाद जो हाइब्रिड आता है वो है NS43 नामधारी का हाइब्रिड, और ये ज़्यादा अभी जो चलता है NS43 ये वेस्ट बंगाल में चलता है। और इसका जो फ्लैट शेप जो है हेड शेप ये फ्लैट होता है। लीफ कलर थोड़ा ब्लूइश ग्रीन होता है और हेड कलर ये डार्क ग्रीन है, फ्लैट शेप है। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा चलता है। और यहाँ पे जो इसका मैच्योरिटी आया है, क्योंकि अभी सभी का मैच्योरिटी थोड़ा लेट आया है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो यहाँ पे ये जो आता है मिड सेगमेंट में आता है। मिड सेगमेंट मीन्स 55 to 65 डेज में मैच्योर होता है मिड सेगमेंट। इसका जो वेट अराउंड 2.5 kg, कोर लेंथ इसकी 7, देख सकते हैं इसका हेड इस तरह का है अंदर से, ये भी अभी प्रॉपर मैच्योर नहीं है। और इसका जो कोर लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादा चलता है NS43 नामधारी का। इसके बाद जो नेक्स्ट हाइब्रिड है यह है BC76, ये सिंजेंटा कंपनी का हाइब्रिड है, सिंजेंटा का BC76। इसका जो लीफ है वो ब्लूइश ग्रीन है और हेड कलर ग्रीन, राउंड हेड शेप राउंड। इसका वेट अराउंड 1.2 to 1.5 kg हेड वेट। और इसका जो कोर लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर, ये कोर होती है, ये जो है ये कोर लेंथ मीन्स ये यहाँ से और यहाँ तक का ये कोर, इसकी जो लेंथ। इसका जो कम्पैक्टनेस है वो वेरी गुड, यू कैन सी गुड कम्पैक्टनेस।
ये भी BC जो 76 है, ये भी मिड सेगमेंट में आता है, मतलब इसका भी मैच्योरिटी अराउंड वही सेम 55 to 65 days मैच्योरिटी, ऑल मिक्स सेगमेंट मीन्स 55 to 65 days। नेक्स्ट पे आते हैं ये इंदाम 296 है, और इंदाम 296 ये इसका जो रिकमेंडेड एरिया है जो ज़्यादा चलता है, ये वेस्ट बंगाल आसाम और बिहार में ज़्यादा चलता है ये। इधर जो इसको मैच्योरिटी आया 69 days में मैच्योर हो गया यहाँ पे, और इसका वेट लगभग 1.5 kg। इसका जो लीफ का कलर है, ये लीफ कलर देख सकते हैं ब्लूइश ग्रीन है, हेड कलर ग्रीन है, कम्पैक्टनेस इसका अच्छा है गुड, और इसका जो कोर लेंथ इसका 7.7 cm कोर लेंथ, और इसमें हीट टॉलरेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, हीट टॉलरेंस गुड, हीट टॉलरेंस इंदाम 296 जी हाइब्रिड है इंदाम 296। और ये भी मिड सेगमेंट में आता है इंदाम 296। ये जो नेक्स्ट हाइब्रिड है ये T621 यानी कि T621, और ये टाकी कंपनी का है हाइब्रिड है, और इसका जो रिकमेंडेड एरिया है जो ज़्यादा चलता है वो वेस्ट बंगाल आसाम बिहार ये ज़्यादा चलता है। इसका वेट भी अराउंड 1.5 to 2 kg इसका वेट। ये इसमें ब्रेस्टिंग स्टार्ट हो गया है, इसमें जो मैच्योरिटी आया था वो अर्ली आ गया था 61 days में, इसलिए ये थोड़ा ओवर मैच्योर हो गया, इसलिए ब्रेस्टिंग स्टार्ट हो गया है। इसका कम्पैक्टनेस भी गुड है, और इसका जो शेप है वो फ्लैट शेप। इंदाम 296 अभी जो हेड शेप था वो भी फ्लैट था, और इसका भी T621 का भी फ्लैट, सेमी फ्लैट, नॉट एग्जैक्ट फ्लैट पर सेमी फ्लैट, इंदाम 296 भी सेमी फ्लैट था, और इसका कम्पैक्टनेस भी अच्छा है। इसका जो कोर लेंथ है वो 9 cm है कोर लेंथ, ये इंदाम 296। इसका जो लीफ है वो स्लाइटली ब्लू स्क्रीन हेड ग्रीन। इससे जो अगला हाइब्रिड है नेक्स्ट चार्मंट, ये सकाटा का कंपनी का है सकाटा, और ये भी जो चलता है चार्मंट यूपी पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा चलता है। इसका भी जो लीफ कलर ब्लूइश ग्रीन, ये लीफ कलर ब्लूइश ग्रीन है, ब्लूइश ग्रीन कलर, हेड कलर थोड़ा लाइट ग्रीन टू ग्रीन। इसका जो कम्पैक्टनेस वेरी गुड कम्पैक्टनेस, और ये राउंड है, राउंड शेप में आता है, और इसका जो कोर लेंथ है वो अराउंड 7 cm है कोर लेंथ 7 cm। चार्मंट सकाटा, इसका प्लांट फ्रेम भी मीडियम में आता है, प्लांट फ्रेम मीडियम साइज का है, इसका जो कॉम्पैक्ट है वेरी नाइस। यह है पूमा, नेक्स्ट जो हाइब्रिड है पूमा सकाटा कंपनी का है पूमा सकाटा। इसमें ब्रस्टिंग स्टार्ट हो गया है क्योंकि ये इसमें अर्ली मैच्योरिटी आ गया था। इसका भी प्लांट फ्रेम जो है वो मीडियम टू स्मॉल, लीफ कलर जो है वो डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन हेड कलर, कम्पैक्टनेस गुड, कोर लेंथ वेरी शॉर्ट, देख सकते हैं इसका जो कोर लेंथ है वो वेरी शॉर्ट है समथिंग 4.5 cm, और कम्पैक्टनेस गुड। ये भी मिड सेगमेंट में आता है 55 to 65 मैच्योरिटी, और इसका जो वेट अराउंड 1 kg हेड वेट अराउंड 1 kg। और जो नेक्स्ट हाइब्रिड है ये है सेंट सेमिनिंस कंपनी का हाइब्रिड है सेमिनिंस का, देख सकते हैं सेंट। इसका भी प्लांट फ्रेम मीडियम, लीफ कलर ब्लू स्क्रीन,
हेड वेट 1.3 to 1.5 kg, 1.3 to 1.5 kg हेड वेट, राउंड शेप, हेड का जो शेप है वो राउंड है, दिस वन हाइब्रिड ऑफ सेंट, दिस इज सेंट कंपनी फेमिनिन्स, और इसका जो रिकमेंडेड एरिया है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ज़्यादा लोग इसको लगाते हैं, और ये वाइडली एडेप्टेबल है, ऑल इंडिया में एडेप्टेबल है सेंट। इसकी कम्पैक्टनेस की बात करें तो वेरी नाइस कम्पैक्ट हेड, कम्पैक्ट वेरी नाइस, और कोर लेंथ इसका अराउंड 7 सेंटीमीटर सेंट। लीव कलर ब्लू स्क्रीन, लीव कलर इसका ब्लू स्क्रीन, हेड कलर ग्रीन, हेड शेप राउंड, तो ये थे मेरे कुछ हाइब्रिड जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू।